उनको इनवाइट करूंगा कि वो मीटिंग को स्टार्ट करें फॉर्मली. सो यू कैन स्टार्ट नाउ. अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, इट्स क्लियर. हाँ, मुझे साथ साथ बताते जाना क्योंकि नेटवर्क का काफ़ी इशू बन जाता है तो मसला बनता है फिर. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बातें की और टेक्नोलॉजी ने जो मुझे मौका दिया आज यहाँ प्रेजेंटेशन देने का, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. और वासिम भाई का भी जिन्होंने मुझे अप्रोच किया थ्रू काशिफ भाई, आप में से कुछ लोग उसको जानते होंगे काशिफ भाई को. तो बाकी बातें करते रहेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं. मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूं आपसे. आज का जो टॉपिक है हमारा वो लिनक्स पे है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन. अभी क्या चीज़ होती है इसको देखते हैं. सबसे पहले तो एक सवाल है आप सब लोगों से मेरा कि जो भी हमारे साथ ज्वाइन है, जो मुझे सुन रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा बंदा है जिसको विंडोज़ यूज़ करनी नहीं आती? क्योंकि मैंने देखा है यूनिवर्सिटी में कुछ लोग ऐसे हैं, वो फोर्थ सेमेस्टर में चले जाते हैं, फिफ्थ में हो जाते हैं, लेकिन उनको विंडोज़ यूज़ नहीं करनी आती. वो क्या कहते हैं, अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि मुझे विंडोज़ इंस्टॉल कर दो, ये सॉफ्टवेयर कर दो. तो इस तरह का मसला आप में से किसी को है? कोई है बंदा ऐसा जिसको विंडोज़ यूज़ करनी नहीं आती, कोई बताएगा? जी मतलब कि सबको यूज़ करनी आती है. अच्छा, तो फिर एक सवाल का जवाब दो मुझे कि हम विंडोज़ में वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको कोई भी मतलब कि लिनक्स वगैरह या कोई और हमने विंडोज़ यूज़ करनी हो तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ जो हमें वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं. तो जब उनको हम इंस्टॉल करते हैं तो उनमें एक एरर आता है, वो ये कहता है कि आपकी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल नहीं है. तो मुझे बताएगा कोई कि उसको इनेबल कैसे करते हैं? आप सबने कहा कि आपको विंडोज़ यूज़ करनी आती है. जी जी, ये निशान ने लिखा है वी एम वी और वर्चुअल बॉक्स हाइपर वी, जी ये सारे वर्चुअलाइजेशन है सॉफ्टवेयर हैं जो वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं. बायो सेटअप में क्या करते हैं? चले, दो लोगों ने जवाब दिया, आई होप कि सबको आता होगा. और इसके अलावा जी जी एड्रेस किया हुआ है वो बता दे. समझ नहीं आई आपकी आवाज, सीधे नहीं आ रही. एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया हुआ है. जी जी, वो जो सवाल करना चाह रहे हैं करें, या बताना चाह रहे हैं तो बताएं. जी, ये कौन है, किसने हैंड रेज किया हुआ है? प्लीज चलें. खैर, अच्छा एक चीज और बताएं कि कभी आपने फेस किया होगा कि आपको ब्लू स्क्रीन एरर आई होगी, आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो अचानक से ब्लू स्क्रीन आ गई है विंडोज को यूज करते करते, फिर आपको सिस्टम ये कहता है कि आप इसको रिस्टार्ट करें या वो खुद ब खुद रिस्टार्ट हो जाता है, उसका क्या मसला होता है, उसका कोई बताएगा मुझे? ज़ियान, आप मुझे बताएंगे मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मैं स्टार्ट करूँ? यस सर. अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि लिनक्स जो है वो स्टेबल है विंडोज से. क्यों है मैंने आपको बता दिया? सर आपका माइक म्यूट पे है.
सर आपका माइक म्यूट पर है। अच्छा मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर ध्यान मुझे पहले ये बताओ कि इस ग्रुप ये इस मीटिंग का एडमिन कौन है? सर मैं ही हूँ। हाँ तो आपने अभी मेरा माइक म्यूट कर दिया, डिसेबल कर दिया था ना, तो इसको जरा ध्यान से करो ना, फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे पास कंट्रोल ही नहीं है। जब इनेबल होगा तब मेरे पास कंट्रोल है, मैं उसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अच्छा बात ये हो रही थी कि लिनक्स विंडोज से स्टेबल है ज्यादा, क्यों है? सी और सी प्लस प्लस पे मोस्ट यार कोई बंदा इसको अनम्यूट कर रहा है, मेरी तरफ से अनम्यूट नहीं होता ये। जी आपको प्रेजेंटर बना सकते हैं, आपको प्रेजेंटर बना दिए, बाकी पास कंट्रोल होगा। चलो ठीक हो गया। अच्छा बात आती है कि लिनक्स को हम क्यों प्रेफर करते हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के बाद आप में ज़हन आएगा कि कोई एंटीवायरस, कोई मैलवेयर और इस किस्म की कोई उसमें सॉफ्टवेयर होता होगा उसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा आपसे एक सवाल है एक और, जिन लोगों ने विंडोज 7 कभी यूज़ की, मैंने की हुई है, आप में से किसी ने की हो तो उसने ये इशू देखा होगा कि कुछ अरसे के बाद उसका जो डाटा है वो करप्ट हो जाता था। कभी आपके साथ ये प्रॉब्लम आई हो? आपका जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है वो भी मतलब कि करप्ट हो जाता था, और कुछ आपकी वीडियोस वगैरह वो मतलब कि करप्ट हो जाती थी, ऐसा किसी के साथ इशू आया हो कभी? ऐसा इशू आता था तो वो इशू आता क्यों था? उसकी भी एक वजह यही है कि लिनक्स जो है वो सी और सी प्लस प्लस पे बनी हुई है, तो ये भी एक मतलब कि उसका इशू था। और सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करने की चीज़ है जिसमें फ़र्क देखा जाता है ज़्यादा सर्वर्स में, अब सर्वर्स में ग्राफिक्स नहीं चाहिए होते, आपका जो सारा वर्क होता है वो कमांड लाइन पे होता है, तो विंडोज़ आपको प्रोवाइड करती है ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक्स। अब विंडोज़ 10 में इतने ग्राफिक्स आ गए हैं कि आप उसको कोटोडू में यूज़ करें ना सिस्टम को, कोटोडू के ऊपर विंडोज 10 को, पहले तो ये है कि वो सपोर्ट नहीं करती, लेकिन अगर हम उसको कर भी लें तो हमें मतलब कि ना इश्यू होते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपका सिस्टम हैंग हो रहा होगा। अब अगर हमने उसकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर करनी है तो हमें SSD लगानी पड़ती है ताकि उसकी थोड़ी सी स्पीड बेहतर हो जाए, लेकिन इशू वहाँ पर रहता है फिर भी। तो ये सब चीज़ें थी कि लिनक्स जो है वो ज़्यादा मतलब कि प्रेफर की जाती है सर्वर्स में, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स बहुत कम मैना होने के बराबर है। अब एक और चीज़ है कि लिनक्स में जैसे हम विंडोज़ में कुछ वर्जन हैं, जैसे विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 और विंडो 11, इसी तरह लिनक्स में दो मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं और उनको ये भी कहते हैं कि वो दो मेन कम्युनिटीज़ हैं, या उनको यही कह लो कि वो दो मेन फ्लेवर हैं। अब उसमें ये आता है कि एक तो उसमें रेड हैट है और एक उसमें डेबियन है, ये दो मेन हैं। इनके आगे फिर इनके कुछ फ्लेवर्स हैं, जैसे डेबियन के आगे फ्लेवर्स हैं फिर जो डेबियन पे बेस करते हैं, इसी तरह फिर रेड हैट के भी हैं। अब बात ये स्क्रीन शो नहीं हो रही यार, आज मैंने ना स्लाइड वो प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की क्योंकि मैं आज काफ़ी बिजी था, क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा है। मेरी हालत ऐसी है कि मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ, मैं कुछ देर पहले फारिग हुआ, तो वैसे मैंने अपना लैपटॉप उठाया, उसको रेडी किया और लेक्चर देने बैठ गया। मैंने सोचा था कि आज प्रेजेंटेशन मैं रेडी कर लूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो। वैसे मैं प्रेजेंटेशन को प्रेफर नहीं करता, लेकिन मैंने कहा चले वहाँ पे काफ़ी लोग होंगे, तो क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये है ना हर यूनिवर्सिटी में कि जहाँ भी प्रेजेंटेशन होगी हम उस सर को प्रेफर करते हैं, हमारा माइंडसेट ऐसे बन गया। तो
मुझे टाइम नहीं मिला तो उसके लिए सॉरी। तो आपको ऐसे ही मतलब करना पड़ेगा, आपकी तरफ से जो भी सवाल हो मैं उसका आपको आंसर दूंगा, ठीक है। और होना भी ऐसे ही चाहिए, प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्ट सर से सवाल जवाब करें। अच्छा भाई, ये बात हो रही थी हमारे फ्लेवर्स की। अच्छा अब ये आता है कि फ्लेवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उनको याद करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो 3-4 नहीं हैं, 100 से भी ज़्यादा हैं। अब ये होता है कि अब बात ये आती है कि इतने ज़्यादा फ्लेवर्स क्यों हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं लिनक्स की कि ये क्या चीज़ है, कैसे बना। विंडोज़ का तो सबको पता होगा कि वो कैसे बना ये वो। तो अब लिनक्स की बात करते हैं। अब लिनक्स बेस करती है यूनिक्स पे। अब यूनिक्स क्या है, अब यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सबसे पहले बना था। अब ये बना कब था, 1969 में। अगर किसी ने कुछ लिखना हो तो वो लिख सकता है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। अब ये एक लैब थी, AT&T लैब, इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा गूगल से, ठीक है। अब इस लैब में ये यूनिक सिस्टम बनाया गया। अब किसने बनाया, ये तो बात की बात, किस लिए बनाया, इसको बनाया था CIA ने, फंडिंग CIA ने की थी। CIA ने कहा था कि हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दो। अब CIA बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है अमेरिका की, तो उसने कहा कि हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दें यूनिक्स। अब जब इसको बनाया गया तो इसको ओपन सोर्स रखा गया। अब ओपन सोर्स क्यों रखा गया, CIA के माइंड में क्या चीज़ थी वो तो CIA जानती है, लेकिन अगर हम एनालिसिस करें तो उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने इसको ओपन सोर्स रखा। अब ओपन सोर्स का फ़ायदा क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब को सबको पता होता, मतलब कि पता होगा, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि हर किसी के लिए वो फ्री अवेलेबल है, हर बंदा उसमें छेड़छाड़ कर सकता है, उसको कस्टमाइज कर सकता है। तो उसने इसको ओपन सोर्स इस वजह से लगा कि हर बंदा पूरी दुनिया से लोग उसको देखें और उसको कस्टमाइज करें और उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। तो इस वजह से उसने इसको ओपन सोर्स रखा। अब हुआ क्या कि अब CIA ने कहा कि यूनिक्स बना के दो, ठीक है, यूनिक्स बन गया। अब आगे क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि इसका जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है वो रेड हैट है। अब रेड हैट एक कंपनी है। अब रेड हैट ने क्या किया कि यूनिक्स को पिक किया क्योंकि वो ओपन सोर्स थी, उसको उठा के इन्होंने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, उसमें मतलब कि कस्टमाइजेशन करके उसको कुछ बेहतर किया और उसका नाम उन्होंने लिनक्स रख दिया। लिनक्स पहला नाम उसका लिनक्स था। ये भी CIA का ही प्रोजेक्ट था, जो रेड हैट है वो CIA के अंडर काम कर रहे थे। ये इंटेलिजेंस जो होती हैं, ये इनके बहुत सारे कंटेंट होते हैं बड़े बड़े कंपनीज के साथ, ये काम करते रहते हैं उनके साथ। अब जो CIA है, अब इसकी हेड है NSA, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका, शायद यही नाम है इसका पूरा, वो इसको हेड करती है, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि NSA क्या है और CIA क्या है और इसका IBM के साथ क्या रिलेशन है, वो बातें नहीं करेंगे। बस मैंने आपको ये बता दिया कि यूनिक्स से इसको बनाया गया। और लिखा हुआ ओके सर, नो वरीज, यू आर बिजी एंड, अच्छा ये मैसेज अब आ रहे हैं, मैंने वो बात कब ही कर दी। अब कुछ और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंपनियों ने बनाए, जैसे कि HP ने HP UX बनाया, IBM ने AIX बनाया, फिर उसको उन्होंने रेड हैट का नाम दिया, जो मैं बता रहा हूँ ना रेड हैट। तो ये IBM की समझ लें कि पहला एक ऑपरेटिंग सिस्टम था AIX, तो उन्होंने फिर इसको रेड हैट का नाम दिया। इसी तरह सन कंपनी थी जो कि ओरेकल ने, ओरेकल का पहला नाम था सन, जो सन कंपनी है ये एक पहले एक इंडिविजुअल कंपनी थी जिसको ओरेकल ने खरीद लिया था, फिर ओरेकल ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सोलारिस के नाम से, ठीक है। इसी तरह एप्पल का अपना मैक है,
यूबंटू का, ठीक है, यूबंटू एक खुद से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है मिंट ओएस, अब ये क्या है, ये यूबंटू पे बेस करता है, और यूबंटू क्या है वो डेबियन पे बेस करता है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सारी ओपन सोर्स हैं, तो हर बंदा हर कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कस्टमाइज करता है और उसको यूज़ करता है, ठीक है। उसमें से जो उनकी काम की चीज़ें नहीं हैं वो लैदा की, जो काम की चीज़ें हैं वो रखीं, और अगर कुछ खुद ऐड करना चाहा वो भी ऐड किया, ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार। इसी वजह से लिनक्स के बहुत सारे मतलब के फ्लेवर्स हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। मैंने कहा ना आपको 100 से ज़्यादा, शायद ये 1000 से भी ज़्यादा हो जाए। तो ये इसका थोड़ा सा था हिस्ट्री लिनक्स की। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो वो माइक ऑन भी कर सकता है, क्योंकि चैट काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फेडोरा इज आल्सो डिस्ट्रो ऑफ लिनक्स, जी ये एक फ्लेवर है रेड हैट का, रेड हैट पे बेस करता है ये फेडोरा। एक सेंटोस भी होता है जो वो भी रेड हैट पे बेस करता है। सर यूबंटू में प्रो वर्जन पेड क्यों है? मुझे इसका पता नहीं कि वो उसका जो प्रो वर्जन है वो पेड है। अगर पेड है तो उसकी वजह ये हो सकती है कि जिसने यूबंटू प्रो बनाया है एक अलग से किसी आदमी ने डेवलपर ने बनाया होगा और उसने क्या किया कि उसको पेड रखती है। अब हर बंदे ने ऐसा तो कमाना है ना, लेकिन 99% जो आपको लिनक्स की कम्युनिटी मिलती है ना, आपको सॉफ्टवेयर 99% और ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको फ्री में मिलेंगे। कुछ खास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि फिर उनसे फिर आप काम भी तो ऐसे कर सकते हैं ना। ऐसे डार्क वेब पे आप जाएं तो आपको चाहिए सॉफ्टवेयर आला किस्म के हैकिंग के या उससे भी आगे, तो फिर पे करना पड़ता है। और ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि अरबों रुपये के बिकते हैं, जो कि इंटेलिजेंस खरीदती हैं मतलब कि हैकर्स वगैरह से। वॉट अबाउट एक्स्ट्रा टूल्स? एक्स्ट्रा टूल्स कौन से आप कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं? बेस्ट फ्लेवर भाईजान किसी को भी हम नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि एक हैकर काली लिनक्स यूज करता है, एक प्रोग्रामर डेवलपर यूबंटू यूज करता है, और जो हम जैसे कि जैसे आज हमारा टॉपिक है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसकी जो जॉब होती है उसको कहते हैं कि लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, सिस्टम एडमिन भी कहते हैं, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। वो जो काम करता है वो फेडोरा पे या सेंटोस पे काम करता है। इसको सेंटोस भी कहते हैं और सेंटोस भी कहते हैं, सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ज़्यादा यूज होता है सर्वर्स पे। मैंने ये बता दिया, ये जो हैकिंग इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं, एथिकल हैकिंग। इसमें पैरेट, ब्लैक आर्च और काली लिनक्स, पैरेट ओएस, ये तीन है और भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा अब एक और बात कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड के जो मोस्टली सर्वर्स हैं 70-80% शायद परसेंटेज से ज़्यादा भी हो सकती है वो लिनक्स में है सर्वर। विंडोज़ में भी हैं, जैसे विंडोज़ के सर्वर जो हैं 2008 इस तरह के कुछ कंपनीज वो यूज छोटी वो यूज़ करती हैं, लेकिन ज़्यादा लिनक्स पे सर्वर इंस्टॉल किए जाते हैं। अब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए कौन सा फ्लेवर हमें चाहिए, तो उसमें बात आती है हमारी कि सेंटोस हम यूज़ करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो आप अगर उसका इंटरफेस देखना चाहते हैं या उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप VMware के ज़रिए या वर्चुअल बॉक्स के ज़रिए आप सेंटोस की ISO फाइल आप डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं एज अ वर्चुअल। अगर आप बेस मशीन में करना चाह रहे हैं तो आप USB को बूटेबल करें, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऐप वाले सही नहीं हैं, ठीक है, अपनी बातें लगे हुए हैं। अच्छा किसी का यहाँ पे कोई सवाल हो और मुझे ये भी बताएं कि मेरी आवाज़ अभी तक ठीक आ रही है,
ये ना हो कि मेरी आवाज जान आपको आ नहीं रही हो और मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात करते हैं कि अब रोड मैप को देख लेते हैं हम। अब इसका रोड मैप क्या है, मैंने आपको हिस्ट्री बता दी और इसकी डिफाइन बता दी कि इसका क्या काम है, ये क्या चीज़ है, वो मैंने आपको बता दी। अब इसका रोड मैप आते हैं। अब रोड मैप को देखें ना, तो मैं ये काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि आपको क्या रोड मैप बताया जाए, क्योंकि इश्यू पता क्या है, पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं ना वो चाहती हैं कि हमें ना कोई ऐसा जिन मिल जाए जो सारे काम करे, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्रीज बात करें ना हम, तो वो ये कहती हैं कि वो कुछ भी नहीं देखती, वो कहती हैं कि ये जॉब है और इसके लिए ये सर्टिफिकेशन चाहिए हमें, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में ये क्या है कि वो सर्टिफिकेशन ही देखते हो, कहते हैं भाईजान आपको ये काम आता है, ये आता है, ये आता है, ठीक है आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप छुट्टी करें। अब मैं कुछ दिन पहले जॉब एक देख रहा था, तो उसकी मैंने जब रिक्वायरमेंट देखी, उसमें आप ये देखें कि एक्सपीरियंस लिखा हुआ था 5 से 7 साल, बल्कि 5 से 9 साल था। अब उसमें इतनी मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि ये भी स्किल लो, ये भी स्किल लो, ये भी स्किल लो, ये भी स्किल लो, मैं सब देखता गया, मैंने एक्सपीरियंस देखा, लास्ट में मैंने जब सैलरी देखी तो लिखा हो 50-70 हज़ार, मैंने कहा क्या बात है। अब जो स्किल्स वहाँ पे लिखी हुई थी, कम अज कम भी वहाँ पे 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ 1-1.5 लाख आपकी इनकम बनती है इजीली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि वो चाहती हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज का ना जो खून है वो चूस लें, वो तो कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं कि वो जान बोझ के इंटर्नी रखते हैं। उसमें होता क्या है कि वो क्या आएगा कि वो हमसे थोड़ा बहुत सीखेगा भी, उसको थोड़ा बहुत आता भी होगा, तो हमारा भी काम चलता रहेगा, तो हम थोड़ा सा उसको पे करेंगे, हमारा काम चलता रहेगा। तो कुछ कंपनी ऐसी हैं जो मैंने खुद देखी हैं, एक दो कंपनी मैंने ऐसी देखी हैं, वो लिनक्स के रिलेटेड मैंने देखी, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं उससे हट के जो ऐसे काम करती हैं। तो अब रोड मैप की बात ये करें तो प्योरली आपको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन आती हो, अब उसका आपने देखना हो तो उसमें प्रॉपर लिनक्स है, लिनक्स को हमने यूज़ कैसे करना है, ठीक है, उसमें कुछ मेन चीज़ें आ जाती हैं जिसमें है कि आपकी परमिशंस आ जाती हैं कि आपने टेंडर्स फॉर्म, प्लीज़ ये इनको टेंडर्स फॉर्म शेयर कर दें, अच्छा ये ज़ियान मांग रहे हैं, अच्छा क्या मैं क्या बात कर रहा था, अच्छा रोड मैप की बात मैं कर रहा था। तो रोड मैप में ये है कि लिनक्स में कुछ मेन चीज़ें हैं जिसमें परमिशंस हैं कि आपने एक यूज़र को क्या परमिशन देनी है, आपने ग्रुप को क्या परमिशन देनी है, आपने अदर यूज़र को क्या परमिशन देनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी बैश स्क्रिप्टिंग आती है, ये क्या चीज़ होती है आप इस पर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारा सेशन जो है इंट्रोडक्टरी है, तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर, तो उस पर बात अगर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर देखेंगे। बैच स्क्रिप्टिंग आती है, फिर उसमें ऑटोमेशन या स्केजुलिंग कह लें आप, जॉब स्केजुलिंग वो चीज़ आ जाती है, फिर उसमें आती है कॉन्फ़िगरेशन जो मेन है जो सर्वर्स में हमें चाहिए होती है, ये चार चीज़ें हैं, बाकी जो है आपको सिंपल यूज़ करना आ गया तो बहुत है। अब लिनक्स के लिए ये बहुत है, इसमें आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है, वो कहते हैं भाई जान आपको ये भी आता हो, ये भी आता हो, ये भी आता हो, तो फिर उसके लिए आपको साथ करना क्या पड़ता है कि आपको साथ में नेटवर्क सीखना पड़ता है, नेटवर्किंग, ज़्यादा नहीं डीपली नहीं जाना उसमें, आपको बेसिक आती हो, ठीक है, ताकि आप मतलब कि बेसिक ही चाहिए होती है ज़्यादा, क्योंकि हम एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लेकिन कुछ जगह पे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने कभी पीछे नहीं हटना नेटवर्क से, आपको जितना मौका मिले नेटवर्किंग सीखने का आपने सीखना है, आपको अगर डीपली सीखने का मौका मिल रहा है तो आप सीखें, ये दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ आती है क्लाउड, अब यहाँ बात आती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक अलहदा से मतलब कि ना आपको ये जॉब मिल जाती है, आपको सिंपल क्लाउड कंप्यूटिंग आती है तो आप जॉब कर सकते हैं। अब मैंने बात की साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग की, ये तीसरी चीज़ आ गई, तो आप सोच रहे होंगे कि साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग, अब बात ये है कि
जो हमारा मोस्टली सर्वर्स हैं वो क्लाउड पे ट्रांसफर हो रहे हैं, मोस्टली क्या हो चुके हैं, हो क्या रहे हैं, हो रहे हैं, हो चुके हैं मोस्टली. कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपना जो डेटाबेस है या ऐसा डाटा जो कि वो समझते हैं कि नहीं ये हमने अपने पास रखना है, वो उन्होंने अपने फिजिकल सर्वर्स रखे हुए हैं, अदरवाइज सारे सर्वर जितने भी हैं वो क्लाउड पे चले गए हैं. अब एक बंदा आपको हायर करता है लिनक्स के लिए, तो वो आपको कहता है कि चलो भाई ये हमारी जो एक्सेस है वो क्लाउड पे है, और आप कहते हैं कि यार मुझे तो क्लाउड यूज़ करना नहीं आता, तो वो कहें भाईजान छुट्टी करें आप एलिजिबल नहीं हैं. तो क्लाउड ज़रूरी है, ये तीन चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी और लिनक्स के लिए भी. ठीक है, ये रोड मैप था. यहाँ किसी का कोई सवाल हो? ये जो कंपनीज के नाम लिखे हैं एक भाई ने, इन कंपनीज भाई जाने ये कंपनीज का आपको देखना पड़ेगा कि वो उनकी जो जॉब्स आई हैं, वैकेंसीज आई हैं, वो क्या रिक्वायरमेंट आपसे मांग रहे हैं. ठीक है, मैंने एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की मैंने आपको बता दी. जो मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, जो बड़ी कंपनीज हैं वो हर काम के लिए अपने लैदा एम्प्लॉयज रखती हैं. ये कुछ छोटी सी कंपनी है जो पाकिस्तान में है. अगर पाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी भी, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे सिस्टम का नाम लें आप, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो जाहिर बात है वो अपने एम्प्लॉयज पे बर्डन नहीं, उनके एक रूल्स और रेगुलेशन होते हैं. ठीक है, हमारी जो छोटी कंपनीज हैं उनमें ये चीज़ें मतलब के नहीं है, वो कहते हैं कि बस खून निचोड़ लो उनका. ठीक है, समझ आ गई? कोई भी सवाल हो आप पूछें, क्योंकि लेक्चर देते वक्त, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की नहीं, तो जो माइंड से ना चीज़ें निकल जाती हैं, याद नहीं रहती, तो कुछ कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछते जाएं. अब ये था रोड मैप. अब बात करते हैं कि इसकी सैलरी क्या होगी. सर, क्लाउड कंप्यूटिंग एक अलग फुल फील्ड है, सो एज लीनियर एडमिनिस्ट्रेटर की क्या बेसिक स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग की? मैंने आपको बता दिया ना कि आपको क्लाउड क्यों चाहिए, क्योंकि मोस्टली सर्वर्स जो हैं वो क्लाउड पे चले गए हैं, तो क्लाउड अब ज़रूरी हो गया है. अब क्लाउड इसी तरह ज़रूरी है कि जैसे एक बायो का बच्चा है ना, स्टूडेंट है बायो का, वो क्या करता है कि उसके पास भी लैपटॉप है, हालांकि उसका मतलब कि जितने भी उसका पूरा कोर्स है 4 साल का, उसमें कोई भी ऐसा आईटी का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसके पास लैपटॉप है. क्या करना होता है, उसने प्रेजेंटेशन बनानी होती है. ठीक है, उसको क्या है कि अब वो बच्चे आईटी वालों से आके कहते हैं यार इंस्टॉल कर दो विंडो, ये सॉफ्टवेयर कर दो, मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है. ठीक है, तो ये चीज़ें इसी वजह से जैसे उनके लिए अब ज़रूरी हो गया ना लैपटॉप को, मतलब कि विंडोज आपको यूज़ करनी आती हो एक बायो के बच्चे के लिए, आईटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है. इसी तरह आप कंप्यूटर की फील्ड में जो भी बंदा हो, आपकी जो आपकी एआई की फील्ड है, आपकी डेवऑप्स की है, आपकी साइबर की है, आपकी डाटा साइंस की है, आपको क्लाउड आना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी. No one wants to use portable hardware, everyone to uploading their stuff on the cloud. कुछ companies हैं जो hardware अपने पास रखती हैं अपनी privacy के लिए, वो हर चीज़ अपने cloud पे security काफ़ी tight है, लेकिन फिर भी कुछ use करते हैं, जिनके पास पहले से हैं वो use करते हैं. अब बात ये करते हैं कि इसकी जो है रेशियो, एम्प्लॉयमेंट रेशियो वो क्या है. इसकी एम्प्लॉयमेंट रेशियो सर पे रखते हैं, पहले रखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इसकी 0 है. अब 0 क्यों है? अब आप इसका डेवलपमेंट के साथ कंपैरिजन करें ना, तो अगर आप मार्केट में जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, आज से कुछ साल पहले जब फ्रीलांसिंग नहीं थी ना, तो मार्केट में सैचुरेशन काफ़ी हो गई थी कि डेवलपर के बंदे फारिग बैठे होते हैं. आज भी कुछ हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग से ये हो गया कि उन्होंने बाहर से प्रोजेक्ट उठा बंदों को काम पे लगा दिया. अब उसमें ये है कि अगर डेवलपमेंट की एक वैकेंसी आई है ना, तो आपको बंदे मिलेंगे कोई 10 से 15. अब उनमें क्या है, कंपटीशन ज़्यादा. अब लिनक्स की बात करें ना,
तो इसमें अगर एक जॉब आई है ना तो ज्यादा से ज्यादा एक दो बंदे होंगे। अब वो जो एक दो बंदे होंगे ना, आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ कि उनको वो लिनक्स सही तरह से आती भी नहीं होगी, लेकिन वो जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। उनको थोड़ा बहुत आता है तो कंपनी उनको रख लेती है, उनको एक्सपर्ट बंदे मिलते नहीं हैं। और ऐसा मैंने मार्केट में देखा है, ऐसा होता है। तो इसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो जीरो है, बिल्कुल जीरो है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम सैलरी पैकेज की करें तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो 1-1.5 लाख आप इजीली ले सकते हैं। लिनक्स जॉब्स आर आल्सो वेरी लेस एंड लिनक्स जॉब रिक्वायर 4-5 ईयर एक्सपीरियंस। जी, लिनक्स की जॉब्स बहुत कम हैं, लेकिन इतनी भी कम नहीं है, मतलब कि मार्केट में सेचुरेशन नहीं है। अगर आप जॉब ढूंढना चाहें ना, आपको इजीली मिलती है। डेवलपमेंट की भी आपको इजीली आप मिल जाती है, वो किस वजह से, फ्रीलांसिंग की वजह से। लेकिन पहले वो जॉब मिलती नहीं थी, अब मिल जाती हैं। लेकिन लिनक्स का ये है कि ये भी आपको, आप लिंक्डइन पे जाएं, एक इंडीड ऐप है जहाँ पे जॉब्स होती हैं, आप उसको सर्च करें, वहाँ पे लिनक्स की जॉब्स आपको काफ़ी मिलेंगी। अब इसके कई नाम हैं, इसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, सिस्टम एडमिन भी कहते हैं, आईडी एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, और लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। तो इसके काफ़ी नाम हैं। जैसे कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें ना, उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडमिन कह देते हैं उसको, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट कह देते हैं उसको, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसके काफ़ी नाम हैं। नेटवर्क, अच्छा, ग्लास डोर पे भी काफ़ी जॉब आती हैं। जी, ग्लास डोर का मुझे पता नहीं, मैं देख लूँगा, मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, मैंने इंडीड और लिंक्डइन को यूज़ किया होगा। अच्छा, अब इसकी बात करें ना, फ्यूचर, अब फ्यूचर में क्या ये जॉब्स अवेलेबल होंगी नहीं होंगी। अब एक बात, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग लिनक्स के साथ आपको चाहिए, तो क्लाउड कंप्यूटर के साथ आप जाहिर सी बात है रिमोट जॉब भी कर सकते हैं। आपको फिजिकली कहीं जाने का, मतलब कि जाने की जरूरत नहीं है कहीं, आप ऑन साइट जॉब भी कर सकते हैं, आप रिमोट जॉब भी कर सकते हैं ड्यू टू क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि मोस्टली सर्वर अब क्लाउड पे आ गए हैं, तो आप घर बैठ के भी आप ये सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर की बात करें तो अगर हम बात करें ना, आज से 2024 से लेकर 2030 तक, अब कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो कि पाकिस्तान में संभलने के पीक में हैं, उन पाकिस्तान को उस फील्ड में बंदे चाहिए, लेकिन उनको मिल नहीं रहे। ये अंदर की बात है, आपको ये कोई बताएगा नहीं। उनको एआई के बंदे चाहिए, उनको साइबर के बंदे चाहिए, लेकिन उनको मिल नहीं रहे। अब जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये आईटी में बहुत जोर दे रही है, जोर इतना दे रही है कि ये बच्चों को स्किल्स सिखाने के बजाय उनको सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे इतने परसेंट लोग मतलब कि आईटी एक्सपर्ट हैं, वो होते नहीं हैं। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे बंदे हैं जो के गार्ड्स हैं, चौकीदारी करते हैं, और उनके पास हुआवे के सर्टिफिकेट हैं। आज वो यान कहाँ है जो 9th क्लास में पढ़ता है, कहता है मुझे सब आता है, मेरा यूट्यूब चैनल बस ट्राई कर लो। ये क्या बातें हो रही हैं चैट में। अच्छा, अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो कहती है कि हमें सिर्फ बंदे चाहिए आईटी में एक्सपर्ट, उनको वो स्किल्स नहीं सिखाते हैं। ये ऐसे आपने फेस किया होगा, अगर आपने कभी जो गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें अगर आपको कभी जाने का आपको मौका मिला होगा तो आपने नोटिस किया होगा। तो 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवऑप्स, साइबर, लिनक्स, एमेजोन, ठीक है, ये
इनका मतलब कि आप समझ लें कि पीक पे हैं। 2023 तक अगर आप इनमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको कभी टेंशन नहीं होगी कि आप बेरोजगार हैं, किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। तो क्योंकि अब बात सिर्फ ये नहीं है कि 2030 तक, अब उसमें ये है कि हमारा जो मोस्टली जो डाटा है ना वो सर्वर्स पे ट्रांसफर हो रहा है। हम पाकिस्तान में तो ये चीज़ें बहुत कम हैं, आईटी में तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन सारा डाटा सर्वर्स पे ट्रांसफर हो रहा है। तो अब उन सर्वर्स को मैनेज के लिए जाहिर सी बात है उनको बंदे चाहिए, लेकिन उनको ये सीरियस बात है मार्केट में बंदे नहीं है। एक बच्चे ने बात की ना कि लिनक्स की जॉब्स बहुत कम है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास ऐसी कंपनीज नहीं है जिनके पास इतने सर्वर्स हों। हमारे पाकिस्तान में कौन सी कंपनीज हैं इतनी, क्योंकि हम आईटी में तो बहुत पीछे हैं। तो पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है कि लिनक्स की जॉब्स नहीं है, लेकिन जितनी हैं वो सारी की सारी अवेलेबल हैं। आईटी फील्ड जिस तरह एक्सपेंड हो रही है, इस तरह कंपटीशन भी बढ़ रहा है। वो मैं यही कह रहा हूँ कि 2030 तक कंपटीशन लो ही रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियरी है कि आप अभी से इस फील्ड में जाएं, आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर में, या लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर डेवऑप्स में, तो आपके लिए बेनिफिशियरी है। अब मैं बात कर रहा हूँ साइबर की, ये जो लिनक्स है ना ये साइबर की कोड में है। तो आपने सिर्फ लिनक्स तक नहीं रहना, आपने इसको आगे लेके चलना है, साइबर तक लेके चलना है। आपने साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट यहाँ तक जाना है आपने। आपने साथ में एथिकल हैकिंग करनी है, ठीक है। लिनक्स के साथ आप सिस्टम एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये जॉब अगर आप चाहते हैं कि आप मैनेजेरियल लेवल पे जाएं, बड़ी बड़ी जॉब्स आपको मिले, SOC एनालिस्ट बिल्कुल, तो आपको, आप चाहते हैं कि मैनेजेरियल लेवल पे जाएं, तो आपको फिर ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको सिर्फ लिनक्स पर नहीं रहना, आपने अपने आप को साइबर पे लेके जाना है। आप फिर एथिकल हैकिंग वो सीखें, उसको देखें, पेनिट्रेशन टेस्टिंग देखें कि वेब एप्लीकेशन की पेनिट्रेशन कैसे करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन की कैसे करते हैं। तो इन चीज़ों को देखें तो आप इंशाल्लाह आगे जाएंगे। लिनक्स तक आपने नहीं रहना, लिनक्स तक अगर आप रहेंगे तो आप एज ए एम्प्लॉय काम करेंगे छोटे से। अगर आपने मैनेजरियल लेवल पे करना है, कोई अच्छी जॉब आपको मिले, आप ये देखते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं ना उनकी कुछ, आप आम जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी निस्बत, उनका कंपैरिजन करें तो सैलरी का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन सुकून बहुत है मैनेजरियल लेवल पे कि आप सुकून से बैठे हैं, ठीक है। आप सिर्फ आपके नीचे एम्प्लॉयज हैं 1000 में, 100 में, आप उनको क्या कह रहे हैं, आप उनको मैनेज कर रहे हैं सुकून से बैठे हैं, लेकिन जो नीचे एम्प्लॉयज बैठे हैं वो अपना दिमाग लगा रहे हैं 8 के 8 घंटे, वो आप सर खपा रहे हैं लैपटॉप में, ये करना, और आप उन पे हुक्म चला रहे होते हैं। जो मैनेजर आपका मैनेजर होता है वो हुक्म चलाता है, आपने ये करना है, वो लेके आता है, वो गलती निकालते हैं, 2-4 गाली में देते हैं, पाकिस्तान में ऐसा चलता है, ठीक है। तो फिर जब वो जाके काम करता है, यस फॉर एथिकल हैकिंग मस्ट यूज ट्राई हैक मी परफॉर्म लैब्स, बिल्कुल ऐसा ही है, ट्राई हैक मी, ठीक है। अगर आपने बग बाउंड्री करनी है तो बग ग्राउंड पे। मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अहमद भाई के बैच से लेने ये कौन, अच्छा काशी भाई हैं, इन्होंने ही मुझे मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाया है बासिम भाई से, इन्होंने मतलब कि इनके थ्रू मैं आपको आज सेशन दे रहा हूँ। ट्राई हैक मी समटाइम्स नीड प्रीमियम सेस, बिल्कुल ऐसा है। हैक द बॉस भी अच्छा है, बिल्कुल ऐसा है, हैक द बॉस भी एक है। अच्छा बात हो रही थी फ्यूचर ट्रेंड्स की, अब बात यह है कि मार्केट में जो हमारी गवर्नमेंट है ना, अब इसको चाहिए कि आईटी एक्सपर्ट। अब आजकल ना जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो साइबर पे बहुत जोर दे रही है, साइबर पे इतना जोर दे रही है कि मैं आपको सच बताऊं ना कि उन्होंने 3-3 दिन के अंदर अपने जो प्रोफेसर लेवल के हैं ना उनके ऑफिसर, उनको उन्होंने 3-3 दिन के अंदर सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का उन्होंने कोर्स करवाया, उनको सर्टिफिकेशन लेके दिए। ये आज से 1 साल पहले की बात है, उन्होंने उनको कोर्स करवाया, वो भी 3 दिन में, 12-12 घंटों का, तकरीबन 10 से 12-12 घंटों का उन्होंने उनको
सेशन लेके दे दिया। वो क्या करते थे कि आराम से सेशन ऑन किया, बैठे रहे, वो फॉर्मेलिटी पूरी की, हाँ 3 दिन में किया, 3 दिन के बाद उनको सर्टिफिकेशन दे दी। वो क्या होता है कि उनकी जगह कुछ और मतलब के होते हैं बंदे, उनकी जगह वो उनको देते हैं उनका एग्जाम और उनको सर्टिफिकेशन उनके नाम की होती है। अब उन्होंने क्या शो किया है कि हमारे पास, हाँ जी सर्टिफाइड बंदे हैं, साइबर सिक्योरिटी के बंदे हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, आज अगर आप साइबर के एक्सपर्ट बनते हैं सही वाले, सिर्फ सर्टिफिकेशन में नहीं, ठीक है, सर्टिफिकेशन में नहीं, जैसे कि अब मैं बात करूँ ना, मैंने डिजिटल फोरेंसिक और इसका साइबर सिक्योरिटी का मैंने नैपटेक से मैंने इसका किया है कोर्स, सर्टिफिकेशन उन्होंने मुझे दी है नैपटेक की, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है। अब ये मेरे पास समझ लें कि गवर्नमेंट की तरफ से मेरे पास सर्टिफिकेशन है, तो वो मैंने 3 महीने में किया है। अब 3 महीने में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक का कोर्स नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें टॉपिक्स बहुत हैं, इसमें नेटवर्किंग आ जाती है, इसमें लिनक्स आ जाती है, इसमें एथिकल हैकिंग आ जाती है, ठीक है, उसके बाद इसमें क्लाउड आ जाती है। लेकिन ज़्यादा फोकस जिन्होंने हमें सिखाया वो, उनका नाम अहमद फयाज साहब है, आप में से शायद कोई जानता हो, और उनकी कंपनी भी है साइबर विंग के नाम से, वो मेरे टीचर्स हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने फिर हमें लिनक्स की जो बेसिक्स हैं ना वो बहुत अच्छे से सिखाई, ठीक है। मैंने लिनक्स का कोई मतलब कोर्स नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया साइबर का कोर्स किया उनसे, लेकिन उन्होंने हमें जो हमारा जोर लगवाया वो लिनक्स पे करवाया था। उन्होंने कहा कि आप अगर आपने ये चीज़ कर ली है तो आप सब कुछ कर लेंगे, तो वो हमने अच्छे से की। उन्होंने हमें सर्वर्स उनकी कॉन्फ़िगरेशन, तकरीबन कुछ 7-8 सर्वर्स की उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन हमें सिखाई, वो सारा काम उन्होंने हमें सिखाया। अच्छा, यस आई नो, मैं भी कोविड से कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप अब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या साइबर सिक्योरिटी को आप ज़रा प्रेफर करें, तो आप जब साइबर में एक्सपर्ट बन जाएंगे ना सही वाले, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, कभी ये बात मेरी याद आएगी, ये लिख लें, अगर आप साइबर करते हैं ना, साइबर सिक्योरिटी के आप एक्सपर्ट बनते हैं, तो आप गवर्नमेंट के सामने से सर्टिफिकेट रखेंगे ना, या सर्टिफिकेट भी छोड़ें, आप ये कहेंगे ना कि मैं साइबर में एक्सपर्ट हूँ, वो आपको खींच के अंदर ले जाएंगे, ठीक है भाई ना, आप यहाँ पे बैठे काम करें, ठीक है। गवर्नमेंट हमारी ऐसी है, ये हकीकत है, ठीक है। तो अगर आप आज ये काम करते हैं तो आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। जो मेरे यहाँ पे जितने भी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड या थर्ड से हैं, तो वो साइबर पे, मैं तो यही कहूँगा कि आप साइबर पे जोर दें। अगर आप बाकी चीज़ों को देखते हैं तो ज़रूर देखें, लेकिन हमारे माशरे में एक और चीज़ है, हमारी यूनिवर्सिटीज में वेब डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग पे बहुत जोर दिया हुआ है, ठीक है। आप करें, ज़रूर करें, डेवलपमेंट करें, इसमें काफ़ी काम है, ठीक है, आपको जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट में ना रहें, आप इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लेवल पे जाएं और उससे आगे आप डेवऑप्स, ये चीज़ें आप करें, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये मैं सच बताऊँ ना, ये डेवलपमेंट है ना, ये 12वीं के बच्चे कर रहे हैं आजकल डेवलपमेंट, 3-3 महीने लगाते हैं उस पर, और वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, 1-1 लाख कमा रहे हैं। तो हम BS करके या MS करके वही काम हमने करना है, वही 1 लाख कमाना है, ठीक है, सैलरी हमारी भी चले कुछ ज़्यादा ज़्यादा 1.5 लाख हो जाएगी या 2 लाख हो जाएगी, लेकिन हमने भी वही डेवलपमेंट ही करनी है। हमें कुछ नहीं पता डेवऑप्स क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो BS का फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लाजमी ले कर चलें, ठीक है। मैंने आपको फ्यूचर ट्रेंड बता दिया, रोड मैप बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया लिनक्स का, इसके अलावा कुछ चीज रह गई हो ज्ञान भाई? किसी ने कोई कुछ पूछना हो जरूर पूछे। ये लिखा हुआ UAT में गो कोर्स कर पढ़ाते हैं भाईजान, UAT किक्स एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहाँ से मैंने ये कोर्स किया है, मुझे UAT का नहीं पता ये गो कोर्स उनके क्या है।
व्हाट अबाउट मशीन लर्निंग, बहुत बेहतर चीज है, आप करना चाहें तो जरूर करें। सर फॉर एग्जांपल आपके पास सॉफ्टवेयर की डिग्री हो और साइबर सिक्योरिटी काम मिल जाता है सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री वाले को। आपकी बात समझ नहीं आई मुझे, आपके पास सॉफ्टवेयर की डिग्री हो और साइबर सिक्योरिटी का काम मिल जाता है, मतलब कि मुझसे पूछ रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी का काम मिल जाता है। अगर आप अगर आपको काम आता है, अगर आपके पास मतलब कि आपको नेटवर्किंग का नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज लेने के साथ साथ आप एक छोटा मोटा सा उसका सर्टिफिकेट भी ले लें, जैसे कि हुवावे की हैं CCNA या CCIA, ठीक है, वो करें, साथ में आप लिनक्स को अच्छा सा करें, ठीक है, साथ में उसकी बैश स्क्रिप्टिंग लिनक्स में परमिशन देखें, कॉन्फ़िगरेशन देखें, ठीक है, फिर आप एथिकल हैकिंग में आ जाएं जिसमें टॉप ऑफ द लाइन CEH है, ठीक है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जो कि इसी काउंसिल देती है, जो कि पूरी दुनिया में इसको मतलब कि माना जाता है, आप वो करें, ठीक है, फिर आप मार्केट में जाएं, चाहे आपकी डिग्री कोई भी हो आपको प्रेफर करेंगे क्योंकि आपको काम आता है। अच्छा, फॉर लिनक्स रैम 8GB एटलीस्ट प्लस 2GB प्रोसेसर फॉर बिगनर लिनक्स। अच्छा, लिनक्स को आप ना अगर जो पेंटियम 4 है ना, किसी ने नाम सुना होगा, अगर किसी के पास आज से कोई 10 साल पहले जिसने जिसके पास कंप्यूटर होगा ना, उसने पेंटियम का नाम सुना होगा, ठीक है, पेंटियम प्रोसेसर का नाम है, तो आप उसमें भी उसको यूज़ कर सकते हैं, वो कोटोरो से भी नीचे है, ठीक है, आप कोटोरो में भी लिनक्स यूज़ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स नहीं है, वो ज़्यादा कमांड लाइन है, तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 2GB रैम भी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एज अ वर्चुअल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपकी बेस मशीन में मिनिमम आपकी 8GB रैम हो, और कोशिश करें कि SSD लगी हो अच्छी वाली, और प्रोसेसर आपका अगर i5 4th भी है तो मैं कहता हूँ कि मैं आपको सही बताऊँ, मेरे पास i5 3rd generation मेरे पास लैपटॉप था, i5 Dell का था, i5 3rd generation 4GB रैम के साथ, और उसमें हार्ड थी मेरे ख्याल से 120GB SSD। मैंने उसमें बेस मशीन विंडोज 10 यूज़ की हुई है, काली लिनक्स और साथ में विंडोज 7 एट अ टाइम 3 ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यूज़ किए हुए हैं। अब इसके कंपैरिजन इसके बात करें तो मैंने i5 6th generation यूज़ किया हुआ डेल का ही, उसमें मेरी तकरीबन उसमें भी 4GB रैम थी, लेकिन जब उसमें मैं बेस मशीन विंडोज 10 के साथ जब काली लिनक्स यूज़ करता था, तो जब विंडोज 7 में यूज़ करता था तो वो स्टक हो जाता था। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसकी जनरेशन ज़्यादा उसकी कम है, बाकी रैम और जो उसकी हार्ड है वो सेम है, लेकिन वो स्टक हो रहा है, 6th generation और 4th generation चल रहा है, तो ऐसा हो जाता है। जो हमारे कुछ पुराने सिस्टम्स हैं ना, कुछ ऐसे हार्डवेयर में इतने मतलब कि ताकतवर हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि वो मतलब कि जो आपका लोड है ना वो बर्दाश्त कर लेते हैं, तो अगर आपका छोटा सिस्टम भी है ना तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे बात करें, सर लिनक्स के अलावा आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं? फ़िलहाल मैं कोई सर्विस नहीं दे रहा क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने फ़िलहाल मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, मैं ऑनलाइन एक काम कर रहा हूँ, उससे मेरा मतलब कि जेब खर्च मेरा बन जाता है, तो फ़िलहाल मैं कोई जॉब नहीं कर रहा। सर आई हैव पर्सनल क्वेश्चन अबाउट अ टास्क दैट आई एम फेसिंग एन इशू फॉर लॉगिन क्रेडेंशियल एट ग्रीनबोर्न कम्युनिटी आर काली लिनक्स सॉफ्टवेयर इन कुमार सूडो। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, आपको जब इश्यूज आते हैं, एरर्स आते हैं, एक आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ, इसको ये समझ लें कि जो आज का लास्ट मैं बात करने जा रहा हूँ ना यही है, और ये समझ लें कि सब चीज़ें भूल जाएँ, ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ ना आपने इसको याद करना है, रखना है, अगर आप इसको याद रख लेंगे ना तो आप बहुत आगे जाएंगे। अब एक चीज़ होती है ट्रबल शूटिंग, या कुछ लोग अपने सीवीज में लिखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, असल में उनको आती नहीं होती, कुछ ट्रबल शूटिंग भी लिखते हैं ट्रबल शूटर, लेकिन उनको आती नहीं होती, वो लिख देते हैं, सिर्फ क्या होता है कि स्किल्स को थोड़ा बढ़ाने के लिए। ये जो एरर्स होते हैं ना, ये जिस दिन आप खुद सॉल्व करना सीख गए ना, जिस किस्म का भी एरर है, अगर आपने खुद सॉल्व कर लिया उसको,
तो आप आगे जाएंगे, ठीक है। जब आपको ट्रबल शूटिंग आ गई, आप ट्रबल शूटर बन गए हैं, आपको प्रॉब्लम आई है, आप उसको फेस करके उसको सॉल्व कर रहे हैं, जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपका मसला हल, फिर आपके आगे ये साइबर ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। लिनक्स में मोस्टली ये चीज़ें आएंगी आपको, एरर्स, ठीक है। तो एरर्स को फाइंड करना है, ठीक है। वो कैसे करना है वो इंशाल्लाह अगर हमारा कहीं लेक्चर हुआ इसके अलावा तो उसको देख लेंगे। सर, साइबर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी लाजमी है? सर, इसमें आजकल जो मोस्टली प्रोग्रामिंग हमारी चल रही है ना, वो पाइथन चल रही है, मतलब कि हर जगह पे, क्योंकि इसमें असल चीज़ होती है बैच स्क्रिप्टिंग, ठीक है। वो क्या चीज़ है, वो एक अलग से टॉपिक है, बहुत बड़ा, उसमें भी अगर आप कोर्स करना चाहें ना तो वो तकरीबन एक एक घंटे की, तकरीबन प्ले लिस्ट बनाए ना तो एक एक घंटे की 10-15 वीडियोज बन जाएंगी बैच स्क्रिप्टिंग पे। तो उसमें आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर लें, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ अपने टूल्स बनाने होते हैं, तो जिस मर्जी में आप उसको बना लें, ठीक है। पर लैंग्वेज आप यूज़ करना चाह रहे हैं, गो लैंग्वेज आप यूज़ करना चाह रहे हैं, आप पाइथन यूज़ करना चाह रहे हैं, आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उसको यूज़ करें, ठीक है। बेस्ट जो मर्जी आप लैंग्वेज यूज़ करें, जैसे आपको बेहतर लगे। आपने टूल बनाना है, आप अपने वो टूल बनाएं, उसको यूज़ करें। गिटहब एंड क्लाउड कंप्यूटिंग डिफरेंस? यार, गिटहब एक पूरी कम्युनिटी है, और क्लाउड कंप्यूटिंग है पूरी, मतलब कि फील्ड है। अच्छा, एक भाई पूछ रहे हैं बग बाउंटी। अगर आप जॉब नहीं करना चाह रहे तो आप बग बाउंटी करें, इसके लिए आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखनी पड़ेगी, वेब एप्लीकेशन की पेनिट्रेशन, मोबाइल ऐप की पेनिट्रेशन वो आपको सीखनी पड़ेगी, और आप इससे अच्छा कैसा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल, छोटे मोटे अगर आप बग निकालते रहें तो उनकी आपको थोड़ी थोड़ी भी आपको बाउंटी मिले ना, तो आप मंथली, मिसाल के तौर पर आपको एक मंथ के बाद टोटल बाउंटी आपकी बनी है $1,000, तो आप उसको अब PKR में कन्वर्ट करें तो बहुत है। लेकिन अगर आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी ऐप्स में, उनकी वेबसाइट में जब आप बग्स निकालते हैं, और वो सीवियर लेवल के, जिसको RCE कहते हैं, ठीक है, तो मतलब कि रिमोट एग्जीक्यूशन लेवल के जो होते हैं ना एरर्स, आप अगर उनको फाइंड करते हैं तो आपको फिर जो है ना बाउंटी फिर लाखों में मिलती है। सर, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहाँ से सीख सकते हैं, यूट्यूब पर सोर्सेज हैं? यार, ये बात करें ना फ्री रिसोर्सेज की, यूट्यूब और गूगल, तो कुछ लोग होते हैं पैसे दे के सीखते हैं, पैसे दे के आपने कभी नहीं सीखना, आप पैसे ज़ाया करोगे, ठीक है। मैंने ये चीज़ें ना, मैं आपको बताऊँ, मैं अमेज़ॉन सर्टिफाइड भी हूँ, मैं अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल मैंने किया होगा, ठीक है। वो मैंने समझ लें कि वो मैंने पेड कोर्स किया था, ठीक है। मैंने साइबर सिक्योरिटी पेड की हुई है, और साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक ये मैंने फ्री किया हुआ है नैपटेक से, ठीक है। तो मैं आपको मशा यही दूंगा कि आप फ्री की तरफ जाएं, क्योंकि आप उससे बहुत चीज़ें सीखेंगे। उससे ये है कि आप ट्रबल शूटिंग आपको आती है, आप एक चीज़ देखते हैं आपको मसला लग रहा तो यार इसमें कुछ इशू है, आप दूसरे को देखते हैं फिर उसका कंपैरिजन करते हैं, यार उसने ये बताया, तो इसका आपका जो माइंड है ना वो इंक्रीज होता है, आपका नॉलेज में इजाफा भी होता है। तो पेड कोर्सेज, आप पेड कोर्सेज की बात करें ना, वो आपको जो पेड कोर्सेज है ना वो आपको फ्री में भी मिल जाते हैं, और जो पेड कोर्सेज दे रहे होते हैं ना असल में उनको वो काम आता नहीं होता, वो जो अपनी अर्निंग कमा रहे होते हैं ना वो आपको पेड कोर्सेज आपको बेच के वो अर्निंग कमा रहे होते हैं। और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा है। अच्छा, डेवऑप्स इन्वॉल्व कोडिंग नीड एडवाइस फ्रॉम सीनियर? अगर आपको कोडिंग में मतलब कि जैसे डेवऑप्स उस बंदे के लिए है जो मतलब कि डेवलपमेंट को अच्छी लगती है, क्योंकि अब डेवऑप्स दो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट और ऑपरेशन, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को मिला के आप डेवऑप्स इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट जाहिर सी बात है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लेवल तक आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए। सर, बग बाउंटी के लिए कौन सी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना चाहिए? यार, इसमें आप खुद अपना माइंड देखें,
कि बग बाउंटी आपने किसकी निकालनी है वेब एप्लीकेशन की, ठीक है, तो वो किस पे बिल्ड होती है, ठीक है, उसमें जो लैंग्वेज यूज हुई इस, अब बग बाउंटी का ना पूरा स्नैरियो है, ठीक है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है, रिकॉग्निशंस करना होता है, ठीक है, फिर आपको नेटवर्क को स्कैन करना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, फिर जाके पता चलता है कि ये मतलब कि उसमें अब मेन बात करें ना बग बाउंटी की, अगर आप अगले लेवल पे जाएं तो आपको असेंबली लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर आप सही बग हंटिंग कर सकते हैं। जस्ट बेसिक इन्फो, ये किसने पूछा है किस चीज़ के बारे में, मेगा के काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ काफ़ी अच्छे कोर्सेज। अच्छा, इसके अलावा बग बाउंटी की फ्रीलांसिंग होती है, बग क्राउड एक वेबसाइट है जहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं ना वो अपने अपने मतलब के अपने जो एप्स हैं वेब एप्लीकेशन है वो वहाँ पे रखती हैं, वो कहती हैं कि इन पे आप अटैच करें, एरर्स निकालें और हमको फिर रिपोर्ट करें, फिर आपने क्या करना है कि एरर्स आपने कोई फाइंड कर लिया है तो आपने उनको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करेंगे, अगर आप सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं ना क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो उस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, आपने उसको रिपोर्ट करना अगर सबसे पहले किया है, अगर सबसे पहले नहीं भी किया तो वो क्या, अगर कोई अच्छी कंपनी है ना वो सबको फिर थोड़ी थोड़ी बाउंटी दे देती है, अगर आपने सबसे पहले किया है तो फिर उसका लेवल देखा जाता है कि बाउंटी का लेवल क्या है, ठीक है, उस लेवल के मुताबिक फिर आपको बाउंटी दी जाती है और अच्छी खासी बन जाती है, अगर आप इसमें काम करें तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं घर बैठे। व्हाट अबाउट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, या स्क्रिप्टिंग में कमांड्स यूज होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है, कोई एक लैंग्वेज नहीं है, ये पूरा एक लंबा सेशन हो जाएगा, ठीक है, तो आप लिनक्स पे ही रहें। जी, और किसी का सवाल हो सर, वेबसाइट का नेम दोबारा बताएं, किसका वेबसाइट का, अब ये पता नहीं आपस में लगे हुए हैं या मेरे साथ लगे हुए हैं। जी ज़ियान भाई, मेरी बात आ रही है आपको, बग क्राउड आ रही है, बग क्राउड कहते हैं उसको, आप ये सर्च करें गूगल से। जी ज़ियान भाई, आप लेक्चर को एंड करें या इसको और आगे लेके चलना है, अगर कोई लेक्चर कोई टॉपिक रह गया हो तो आप मुझे बता दें, मैं उसको कर देता हूँ एक्सप्लेन। ये सर सही है, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो एंड कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन पता नहीं वो आपस में लगे हुए हैं या वो मुझसे कर रहे हैं, इसका तो पता नहीं चलता। अगर किसी का क्वेश्चन है तो अपना माइक ऑन करके सर से भी क्वेश्चन कर ले, मीटिंग को फिर एंड करते हैं। आई गेस नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं मीटिंग को। नहीं है, ये सवाल आया एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर लिनक्स में। जी क्या कह रहे हैं आप? ये सर आप आंसर कर लें। वो चैट ही चली गई है, डिलीट कर दी क्या आपने? नो सर, रुक मैं, मेरा सवाल है, रुक रहे, ये लिखा हुआ है एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर लिनक्स में क्या चीजें सीखना जरूरी है, काइंडली इसका थोड़ा रोड मैप। एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर लिनक्स में क्या चीजें सीखना, ये आपके सवाल की समझ नहीं आई। जी आप क्या कह रहे हैं, ये जो जनरल माइक ऑन किया, जी जिन्होंने माइक ऑन किया है वो, उनका क्या सवाल है? रोड मैप तो बग बाउंटी, एथिकल हैकिंग सीखे आपको बग बाउंटी आ जाएगी। बग बाउंटी के अगर आप कोई प्लेलिस्ट उठा के देखें ना तो 15-20 वीडियोस होंगी,
आप उसको सीख जाएंगे, फिर आप उसको स्टार्ट करें और छोटे 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 जब आप बग्स निकाल रहे होंगे ना, तो ऐसा ऐसा फिर आप ऊपर जाएंगे। अगर आप ये कहें कि डायरेक्ट मैंने कोई बड़े बड़े मतलब कि बग्स निकालने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर असेंबली लैंग्वेज चाहिए होती है, बहुत फिर नॉलेज आपको चाहिए होता है। लेकिन छोटे छोटे बग्स ऐसे हैं कि मतलब कि ना, वो आप बैठे हैं ना, वैसे ही आप बैठे हैं तो आपको दो तीन मिल जाते हैं, तो उसको आप अगर रिपोर्ट करते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी बाउंड्री मिल रही है, तो वो अगर एक मंथ के बाद देखें ना, तो काफी पैसे बन जाते हैं। अच्छा, एक बंदे ने वो जो पहले सवाल देखा था कि वो कह रहा था किस टाइप का नॉलेज जरूरी है लिनक्स के बारे में एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर। मुझे एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर का कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से मैं इस पर बात नहीं कर सकता कि उसमें लिनक्स का क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो इसके लिए सॉरी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल से देख सकते हैं। मुझे AI का कोई नॉलेज नहीं है, मुझे डाटा साइंस का कोई नॉलेज नहीं है, ब्लॉकचेन का डेवऑप्स का कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो खुद डेवलपमेंट से भागता हूँ, ठीक है। इसी वजह से मैं साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ और मेरा मतलब कि शौक भी है साइबर में, तो साइबर के रिलेटेड आप जो सवाल करें मैं उसको इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। साइबर हैकाथॉन ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर करें, आपको कुछ चीज़ें सब मिल जाएंगी। एथिकल हैकिंग सीखने के लिए कौन, मैंने आपको बताया कि YouTube जो है ना, ये बेस्ट सोर्स है, ठीक है। आप अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक है roadmap.sh के नाम से, roadmap.sh, यहाँ से आपको काफ़ी सारी जो फील्ड्स है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड, सबका आपको उसका रोड मैप मिलेगा, ठीक है। आप उसको देखें, ठीक है, आपको वहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सीखने का तरीका क्या होता है। आपके पास एक रोड मैप आ गया ना, टॉपिक्स आ गए हैं कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको नेटवर्किंग चाहिए, आपको लिनक्स, ठीक है, लिनक्स का जो बेसिक है और उसमें परमिशंस, स्क्रिप्टिंग और कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए। आप क्या करो, आप नेटवर्क निकालो उसका रोड मैप, ठीक है, उसमें बेसिक चीज़ें निकाल के आप उनके टॉपिक्स, एक टॉपिक उठाओ उसकी, उसके ऊपर वीडियो देखो यूट्यूब की, समझ नहीं आई दूसरे बंदे की देखो, नहीं आई तीसरे बंदे की देखो, वो टॉपिक हो गया, अगला टॉपिक देखो, इसी तरह आपकी नेटवर्किंग डन हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि आपने लिनक्स की तरफ आना है, उसका परमिशन वाला टॉपिक निकालो, उस पर आपको 6-7 वीडियो मिलेंगे, आप उसको देखो, ठीक है। फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन पे आनी है, अब उसमें कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो आपको तरह तरह के आपको सर्वर्स मिलेंगे, एक एक सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन देखें, इस तरह पे स्टेप बाय स्टेप आपका काम होता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर ये देखें ना, एक चीज़ को आप उठा के देखें कि एक पूरा हमें कोर्स चाहिए, तो उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं होती। वो आपको कोर्स कितना मिल जाएगा, आपको 3 महीने का मिल जाएगा, मैक्सिमम 6 महीने का मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 महीने में आप साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट नहीं बन सकते एक फील्ड में, आप इसकी जो साइबर सिक्योरिटी कोड में है, अगर आप कहें कि आपको नेटवर्किंग में आपने जाना है डीप, तो 6 महीने में कर सकते हैं, लिनक्स में कर सकते हैं, क्लाउड में कर सकते हैं, लेकिन इन सारों चीज़ों को आप नहीं लेके चल सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ लगती हैं लेकिन है नहीं, ठीक है। तो आप ये, आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 3 महीने में लिनक्स करके काम करें, कर सकते हैं, उसमें ये है कि आप कुछ सीखें 3 महीने के आगे, फिर 3 महीने आप आगे इंटर्नशिप लगाएं, ठीक है, फिर आपको कुछ आएगा, फिर आप उसको सारा मतलब क्या आप जॉब कर सकते हैं जी। इसके अलावा एक सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए क्या रोड मैप होगा, ये सिक्योरिटी इंजीनियर जो होता है ना, ये साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को भी कहते हैं, ये पूरा मतलब कि साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है। इसमें आपकी नेटवर्किंग आ जाएगी, लिनक्स आ जाएगी, और इसमें एथिकल हैकिंग, ठीक है, डिजिटल फोरेंसिक और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नाइस वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट का बता रहे हैं जी। इसके अलावा मुझे लगता है आपको एंड करना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, अगर कोई किसी का सवाल है तो वो जल्दी से कर ले, फिर इसको एंड करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ हूँ और मेरे सर में भी दर्द है, लेकिन ये है कि मैंने कमिटमेंट की हुई थी वाशिम से, तो वो पूरी करनी थी।
रोड मैप और ऐसा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी मतलब कि ना रोड मैप के लिए ना बहुत अच्छी वेबसाइट है, और आप इसको इसको आप मद्देनजर रखें ना, और यहाँ से आप टॉपिक उठाएं और फिर आप उसको यूट्यूब पे देखें तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलें जी, यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं। जी जियान भाई, एंड कर दें। तेरे उसामा ने हैंड रेस किया हुआ है। वो सवाल वो माइक ऑन कर ले, वो कह रहा अटेंडेंस लिंक, अटेंडेंस लिंक मांग रहा है वो। क्या आप अटेंडेंस लिंक लगवाते यस हैं? यस सर, हाँ तो वो उनको मैं शेयर चेक करें करूंगा। जैसे भी। यस सर, फिर एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू आपके जी टाइम जी के लिए। थैंक यू सो मच, आपने भी आपने मुझे ये मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टैकर आरके का तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह बासिम से होती रहेगी बातें चाहते, आपसे भी इंशाल्लाह कभी मुलाकात भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। चले आप हैंडल करें आप। यस सर, जिन्होंने जिनकी अटेंडेंस रहती है अभी वो फिल कर दें, मैंने फॉर्म शेयर कर दिया है। अच्छा ज़ियान, मैं लीव कर सकता हूँ? यस सर, थैंक यू। चलें चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी फैसल, ओके फिर मीटिंग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।